ये महल का सबसे पुराना कोर्टयार्ड है और इधर साधु प्रेमगिरी जी का मंदिर है जो अपन बाद में देखेंगे जी। और इन्हीं साधु के आशीर्वाद से महल बना हुआ है। ये देखिए राउंड सर्किल दिखाई दे रहा है आपको। जब भी नया राजा बनता है तो राजा का राजतिलक राज्याभिषेक यहीं पर किया जाता है। अच्छा, इसी मंदिर के सामने जी। सबसे पहले अपन देखेंगे महाराणा प्रताप का रूम। महाराणा प्रताप के रूम से पहले आपको हल्दी घाटी का वॉर दिखाते हैं जिसकी पेंटिंग लगी हुई है सामने। ये सर देखिए हल्दी घाटी की पेंटिंग। ये पेंटिंग बनी हुई 1935 की। ये जगह उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को जी। युद्ध था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर किसी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। इसमें आए थे आमेर के राजा मानसिंह जी जो हाथी पे सवार हैं। लगभग 1,00,000 सैनिकों की सेना थी। महाराणा प्रताप की सेना से 5 गुना बड़ी सेना जी। महाराणा प्रताप घोड़े पे सवार हैं। महाराणा प्रताप की सेना करीबन 20,000 सैनिकों की। ऐसे इसी में 18,000 सैनिक दोनों सेनाओं के मारे गए। युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता। नुकसान एक ही हुआ कि महाराणा प्रताप का जो फेमस घोड़ा था चेतक जी, उसकी एक टांग घायल हो जाती है युद्ध में। और 3 टांगों पे चेतक महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर लेके आता है। वो 22 फीट का नाला है जिसको चेतक जंप करता है और जंप करने के बाद चेतक की डेथ हो जाती है जी। तो आज भी इस राज परिवार में नवरात्रि के बाद हर जगह दशहरे पे हथियार की पूजा होती है व्यापन की। हमारे यहाँ हथियार के साथ साथ अश्व यानी घोड़े की पूजा की जाती है। चेतक के बलिदान को आज भी याद किया जाता है। तो ये हल्दी घाटी का वॉर। अब अपन चलेंगे महाराणा प्रताप के रूम में जिसमें महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन्स रखे हैं। उनका कवच है, तलवार है, भाला है। सभी का वजन है करीबन 35 किलो जी। आप कवच देखोगे तो करीबन 5.5 से 6 फीट के बीच में है। अच्छा, उससे आपको आइडिया लगे कि उनकी हाइट 7 फीट से ऊपर ही थी महाराणा प्रताप की जी। और ये सारे ओरिजिनल वेपन्स नवरात्रि में उनकी पूजा की जाती है जी। बाकी यही देखने को मिलते हैं। और ये जो कोटियाड़ है ना, ये दोनों महलों को जोड़ता है। अच्छा, इसको मोती चौक बोलते हैं। उधर रानी का महल है, इधर राजा का महल है। तो अपन एंटर तो करेंगे राजा के महल से जिसको मर्दाना महल बोला जाता है। जगह का नाम था गणेश जोड़ी बोलते हैं जहाँ से एंटर कर रहे हैं। और ये गणेश चौक राजा के महल में। एंट्रेंस से पहले एक फोटोग्राफ लग रहा है जो हमारे राजकुमार साहब का है। ब्लैक कोट में जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ के हमारे राजकुमार साहब, इनका नाम है बाबूजी राज लक्षराज सिंह जी मेवाड़। एज 38 है इनकी। शादी उड़ीसा बालंगीर राज परिवार में हुई। मेन बिजनेस होटल बिजनेस है। HRH ग्रुप के नाम से इनकी होटल्स हैं। 2 होटल ताज को दे रखे, बाकी खुद रनिंग करते हैं जी। और इसके अलावा सामाजिक फील्ड में भी काफ़ी है वर्चस्व आपका। हर साल कई इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं गरीब लोगों को कपड़े दान करने का, और इस तरह के कई हर साल नए नए आयोजन आपके द्वारा होते हैं। न्यूज़ और फोटो सोशल मीडिया पे भी सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है। आप इनको देख सकते हैं, आपका ट्विटर वगैरह सारा जी चलाते हैं जी। और कई अच्छे जो अभी चैनल है ललन टॉप पर इनका इंटरव्यू वगैरह भी आपने देखा हुआ है। अब यहाँ से एंटर करेंगे अपन। सामने गणेश जी भगवान की मूर्ति है, 400 साल पुरानी मार्बल की मूर्ति है। 1620 की लगी है। महाराणा प्रताप के बेटे करण सिंह जी ने लगवाई थी। उसी के पास में लक्ष्मी जी की मूर्ति 400 साल पुरानी। ओम सत्यन हिंदू रस्वा सत्यन पूषा विश्ववेदा सत्यन रक्षो वरिष्ठ नेमी सत्यनो धातु ओम गण गणपति नमः। तो ये गणेश जी भगवान की मूर्ति 400 साल पुरानी जी। ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति 400 साल पुरानी जी। और इधर आप देखेंगे यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है नाथद्वारा टेम्पल श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी की लगी हुई है तस्वीर जी। ये मेवाड़ के आदिनाथ एकलिंगनाथ जी, मेवाड़ के राजा ही माना जाता है। भगवान शंकर का मंदिर है, इन्हीं के आशीर्वाद से मेवाड़ राजवंश चला। तो एकलिंग जी यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है जी। और ये जो टाइल्स दिख रही है दोनों तरफ, ये इंग्लैंड से आई हुई टाइल्स है। अच्छा जी, ये 1930 की टाइल्स है, 90 साल पुरानी। ओ